जो जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी बात करते हैं। कश्मीर फाइल ने अपना काम कर दिया, पिछले 30 साल में कभी तिरंगा लगा ही नहीं, मेरी माँ का सपना पूरा करूंगा। नमस्कार, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ आरज़ू दुबे। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर का सनातन धर्म पर चल रहे विवाद और कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अनुपम खेर शुक्रवार रात को डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लॉन्च करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। वहीं उन्होंने सनातन धर्म पर चल रहे विवाद और कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ी बात कही है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल अभिनेता अनुपम खेर अयोध्या के हनुमानगढ़ी समेत 21 हनुमान मंदिरों की पृष्ठभूमि से जुड़े ऐतिहासिक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इस सिलसिले में अनुपम खेर शुक्रवार की रात संकट मोचन हनुमान के 8 मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लॉन्च करने के लिए अयोध्या गए थे। तभी उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कश्मीर फाइल्स सनातन धर्म पर चल रहे विवाद को लेकर कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कहा कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी ही बात करता है। जो जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी बात करते हैं। किसी ने सनातन के बारे में बुरा बुरा क्यों कहा, तो उसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात है। वहीं उन्होंने पत्रकारों की तरफ से कश्मीर फाइल्स की सफलता को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स पर सवाल करना इस बात को साबित करता है कि कश्मीर फाइल्स ने अपना काम कर दिया है। जहां हम 21 हनुमान मंदिरों की बात कर रहे हैं, कश्मीर पे सवाल करना इस बात ये बात को साबित करता है कि कश्मीर फाइल ने अपना काम कर दिया। वरना 32 सालों में किसी भी पत्रकार ने मुझसे कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में कभी सवाल नहीं किया। हर 19 जनवरी 1990 को बात करते थे, हम एक दिन के लिए ट्रेंड करते थे। अब जहां भी मैं जाता हूं, वहां पर लोग कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीरों की प्रताड़ना की बात करते हैं। ये आर्टिकल 370 हटने से मुझे पता है कि, और आपको भी पता है कि लाल चौक में पिछले 30 साल में कभी तिरंगा लगा ही नहीं, और इस बार जब हर घर तिरंगा की मुहिम चली थी तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आपको तिरंगा नज़र आया था। ये है बदलाव, ये है परिवर्तन। परिवर्तन बहुत शांत तरीके से आता है, इसका एहसास जो है वो धीरे धीरे होता है। और खीर भवानी में जाता था तो मैं एस्कॉर्ट लेके जाता था, कश्मीर में जो मंदिर है तुलमुल कहते हैं उसको, अब अलग अलग मंदिर। अब DAV स्कूल फिर कश्मीर में 28 साल बाद शुरू हो रहा है, दयानंद एंग्लो वैदिक हायर सेकेंडरी स्कूल, 28 साल चला ही नहीं, तो ये बदलाव। इस मौके पर उन्होंने अपनी मां के अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए आने के सपने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कुछ बातें कही। मेरी मां का सपना पूरा करूंगा, उन्होंने कहा था कि मुझे ले चल, तो शायद मैं अगर मुझे निमंत्रण मिला तो मैं उनके साथ जरूर तब आना चाहूंगा।